बात करेंगे सीधा बिहार के जमुई की, जहां जिले में तीसरे चरण का नामांकन प्रारंभ कर दिया गया है। आज दूसरा दिन था, प्रत्याशियों के द्वारा लगातार नामांकन का पर्चा दाखिल किया जा रहा है। गिद्धौर प्रखंड के सेवा पंचायत से समिति पंचायत के उम्मीदवार सुबोध कुमार दास ने अपना नामांकन पर्चा सैकड़ों समर्थकों के साथ भरा। वर्तमान में समर्थकों ने जिंदाबाद के नारे लगाए। वह पंचायत समिति सदस्य थे। उन्होंने जो विकास कार्य किए हैं और भविष्य की क्या योजना है उसके बारे में लोगों से चर्चा भी करी। उनका कहना था कि 5 वर्ष ईमानदारी पूर्वक जनता का कार्य किया। स्कूल में कोई भी शिक्षक बच्चों के साथ अगर गलत भी करता है तो उसका विरोध किया है और नरेगा से कई कार्य भी किए हैं उन्होंने। देखिए रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं R9 भारत। मैं हूं सदानंद। पंचायत चुनाव का बिगुल बजते ही प्रत्याशियों ने नामांकन कार्य शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ पंचायत समिति के भावी प्रत्याशी हमारे साथ हैं, सुबोध कुमार दास। मैं इनसे जानूंगा कि वर्तमान में वे ही समिति रह चुके हैं, पंचायत में आपने कौन सा कार्य किया था? पिछले कार्यकाल में आपने जनता के लिए क्या किया? पिछले कार्यकाल में जब हमें मिला तो समय पंचायत को बदतर स्थिति से सही स्थिति को लाने का कार्य किए। हम जन वितरण प्रणाली, दुकानदार, शिक्षा, ये सब व्यवस्था को सुधार लाए हैं और जो बचा हुआ है उसको आगे हम लाने के लिए फिर से जनता के बीच आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। इस बार का आपका क्या प्लानिंग है? इस बार का प्लानिंग है कि हर किसान को हर खेत तक पानी पहुंच जाए, जिससे कि अन्नदाता को कभी कोई प्रॉब्लम न हो और सबको इस कोरोना काल में जिस तरह अन्न के लिए ललायत थे उसकी कमी ना हो, सबको अन्न मिले, सब किसान को पानी मिले, बिजली मिले, सड़क की व्यवस्था अच्छा हो, गली नली हो, यही सब हमारा आगे का प्रोजेक्ट होगा। युवाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, कुछ रोजगार का प्रोजेक्ट लाया जाएगा पंचायत में। ये आगे जाकर हमको लाना होगा, सरकार से लड़कर लाना होगा। इसलिए हमने सोचे हैं कि पुनः एक बार हमको जनता मौका दे और हम युवाओं के लिए खेल मैदान बनाना चाहते हैं, जो कि आज सेवा पंचायत में एक भी मैदान नहीं है और हमारे युवा बहुत सारे इतना है कि सर विभाग में जा सकता है, परंतु उसके लिए ना दौड़ने की व्यवस्था है, ना कुछ कूदने की व्यवस्था है और खेल का तो स्थिति बदतर है क्योंकि मैदान में रहने के कारण। इसलिए हमारा पहला प्राथमिकता होगा युवा के लिए, उसको दौड़ने धूपने के लिए और खेलने के लिए एक खेल मैदान हो और किसान के खेत तक पानी पहुँचाना, ये मेरा सबसे प्रथम कोशिश होगा कि हम हर किसान को पानी पहुँचाए। पंचायत में भ्रष्टाचार का जो बिल्कुल सभी पंचायत भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं है, तो भ्रष्टाचार के लिए आपका क्या प्लान है? देखिए, भ्रष्टाचार मुक्त एक हमसे नहीं हो सकता, इसके लिए जनता भी जागरूक होना है और आप भी जान रहे हैं पत्रकार महोदय कि भ्रष्टाचार कितना है और भ्रष्टाचार सबको जागने से खत्म होगा। रही बात तो हमने अपने कार्यकाल में जन वितरण प्रणाली से कभी किसी को पैसा ज़्यादा नहीं लेने दिए और न स्कूल में शिक्षक को हम कभी बच्चे पर अत्याचार करने दिए या फिर कुछ फीस वगैरह ज़्यादा लेने दिए। तो जहाँ तक मेरे शक्ति था हमने अपने कर्तव्य के हिसाब से पंचायत के हित में, जनता के हित में भक्ति किए हैं और आगे के लिए जैसा पोस्ट होता है वैसा अगर मुझे मौका मिला, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि अगले बार हमने चूक गए थे, प्रखंड प्रमुख नहीं बन पाए थे, अगर मुझे अगली बार मौका मिला तो मैं प्रखंड के प्रमुख बना तो हर गिद्धौर प्रखंड के हर स्कूल शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, सड़क पर दिया जाएगा, गली नली पर दिया जाएगा और भ्रष्टाचार को भी कम किया जाएगा। जैसे कि आप लोग भी जानते हैं कि इंदिरा आवास में पैसा लिया जा रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है, लेकिन है क्या पंचायत समिति को इंदिरा आवास का कोई दायरा है नहीं जो हम उस पर किसी तरह से मतलब रोध प्रतिरोध नहीं लगा सकते, लेकिन प्रखंड प्रमुख बनने के बाद उसका डायरेक्टली मेरे प्रखंड से जब मेरे डोंगल से पैसा जाएगा, कहने का अर्थ है जनता का, जब पैसा जनता के हित में जाएगा तो उसमें हम कभी गलत नहीं करने देंगे। ये हम वादा आपसे करते हैं और वचन में जनता को देता हूँ कि भ्रष्टाचार में खत्म कर। R9 भारत के लिए सदानंद कुमार, जमुई, बिहार। बात बिहार के मझौलिया क्षेत्र की, जहां व्यापार मंडल परिसर में सूबे के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिवस के अवसर पर चित्र पर चंदन लगाते हुए केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष दीपेंद्र शराफ उपस्थित रहे। इस दौरान मझौलिया व महोदीपुर के बाढ़ पीड़ित किसानों ने मांग किया कि प्रशासन द्वारा भेदभाव किया जा रहा है, फसल क्षति तथा घर में पानी घुस जाने के बावजूद भी कई लोगों को मुआवजा प्राप्त नहीं हो सका। इस पर सूबे के उप मुख्यमंत्री, शाह आपदा प्रबंधन मंत्री रेणु देवी ने उपस्थित किसानों को आश्वासन दिया कि CEO
सबके फसलों का आकलन कराएंगे, सबको फसल क्षति के साथ मुआवजा भी देंगे। जिनके घर में पानी घुसा है उन्हें प्रशासन अविलंब मुआवजा दे, तब जाकर आक्रोशित किसान शांत होंगे। जन्मदिन के दौरान मोदी की जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। इस मौके पर थानाध्यक्ष अशोक कुमार पूरे दलबल के साथ सुरक्षा में उपस्थित रहे। R9 भारत के लिए मनीष कुमार, मझौलिया, पश्चिमी चंपारण। संग्रामपुर की बात करें तो प्रखंड में होने वाले तीसरे चरण के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आज नामांकन के दूसरे दिन नामांकन देने आए एक प्रत्याशी को संग्रामपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के धनकुंडा गांव निवासी रामप्रकाश मांझी, पिता अवधेश मांझी, जो संग्रामपुर प्रखंड के दुर्गापुर पंचायत के वार्ड नंबर 8 के वार्ड सदस्य के लिए अपना नामांकन कराने आए थे। नामांकन कक्ष में उपस्थित थानाध्यक्ष सर्वजीत कुमार के द्वारा उन्हें नामांकन प्रक्रिया पूरी कराकर रामप्रकाश मांझी को संग्रामपुर थाना ले जाया गया। इस संदर्भ में थानाध्यक्ष सर्वजीत कुमार का कहना है कि दुर्गापुर पंचायत के वार्ड संख्या 8 नॉमिनेशन करने आए प्रत्याशी रामप्रकाश मांझी को गिरफ्तार किया गया है। रामप्रकाश मांझी उत्पाद अधिनियम के कांड में काफी लंबे समय से फरार चल रहे थे। शराब के साथ उनकी मोटरसाइकिल को धनकुंडा के पास से पुलिस ने बरामद किया था, जिस पर संग्रामपुर थाना में कांड संख्या 200/20 जो कि 23 अक्टूबर 2020 को दर्ज करी गई। R9 भारत के लिए रोहित कुमार, संग्रामपुर, मुंगेर।